उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को हुई 2 साल की सजा के बाद एक और फैसला हुआ है। रामपुर जिस मंडल का हिस्सा है, वहां के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह को सरकार ने 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। 1 साल तक अंजनेय सिंह उत्तर प्रदेश काडर के अफसर के रूप में काम करेंगे और उनके लिए सरकार ने नियमों में बदलाव कर डाला है। अंजनेय सिंह वही शख्स हैं जिनके तमाम आदेशों के बाद आजम खान और उनके परिवार को जेल जाने तक के दिन देखने पड़े थे। अंजनेय सिंह को सेवा विस्तार 18 फरवरी की देर रात मिला है। वो सिक्किम काडर के IAS अफसर हैं और इंटर स्टेट डेपुटेशन खत्म होने के बाद उन्हें वापस मूल कैडर को ज्वाइन करना था। हालांकि 8 साल की सेवा हो जाने के बावजूद सरकार ने नियम बदल कर अंजनेय को UP में ही रोक लिया है। रामपुर की राजनीतिक पृष्ठभूमि को करीब से देखने वाले लोग इस फैसले को एक सामान्य फैसला नहीं मानते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त तक काम कर चुके पत्रकार अरुण सिंह कहते हैं कि अंजनेय को आजम खान के परिवार के बारे में जितनी जानकारी है उतनी शायद किसी अन्य अफसर को हो पाए। उनकी छवि एक तेज तर्रार अफसर की है और वो जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम अन्य विवादित प्रॉपर्टीज के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को समझने वाले अफसर भी हैं। अंजनेय पर रामपुर के उन लोगों का भरोसा है जो आजम खान के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में आजम खान के साम्राज्य को तोड़ने की परोक्ष नियत से सरकार ने उन्हें 1 और साल UP में रोका है। खास बात यह है कि अंजनेय ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश में रोके गए हैं जब आजम खान और उनके बेटे को छजलैट के बवाल के बाद सजा सुनाई गई है। आजम खान की रामपुर सीट पर उनकी विधायकी रद्द होने के बाद अब भगवा झंडा बुलंद हो चुका है। इस सीट पर आकाश सक्सेना MLA बन चुके हैं। अब बारी उस स्वार सीट की है जहां से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला विधायक हैं। अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद अब इस सीट पर अगले 2 महीने में चुनाव कराए जाने हैं। ये चुनाव ऐसे वक्त में होंगे जब अंजनेय सिंह मुरादाबाद के कमिश्नर के रूप में यहाँ काम कर रहे हों। अगर BJP स्वार सीट जीतने में कामयाब होती है तो ये संदेश दिया जाएगा कि आजम खान की अगली पीढ़ी की सियासत भी ध्वस्त हो गई है। इसके लिए प्रशासन का पार्टी के अनुकूल होना जरूरी है जिससे कि कार्यकर्ताओं की सिफारिश पर तमाम काम हो सके। अंजनेय इसी सीट के लिए यूपी में रोके गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में स्वार सीट पर होने वाले चुनाव पर अंजनेय सिंह की बड़ी नजर होगी, लेकिन रामपुर के चुनाव में BJP अपनी जीत हासिल कर पाए ये पार्टी के लिए बेहद अहम भी होगा और बेहद मुश्किल का काम भी। स्वार सीट को आजम खान का किला कहा जाता है। BJP ने राजनीतिक रणनीतियों के साथ प्रशासनिक रणनीति बनाने के लिए आजम खान की सीट पर अंजनेय सिंह को रोका है। देखना दिलचस्प होगा कि स्वार सीट के परिणाम क्या होते हैं और अंजनेय को रोकने का नतीजा क्या हो पाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।